क्या हाल है सलामे जब यहाँ पे गाड़ियाँ थी फिर ये शाबाश आप लोगों को नया थाना और बड़ा खूबसूरत कटरा थाने की लोकेशन अपने आप में बड़ी अहम लोकेशन है क्योंकि जहां जैसे आपने कहा बहुत बड़ी तादाद में आने वाले माता के श्रद्धालु यात्री जो जहां पर आते हैं उनमें से बहुत सारे लोगों का थाने से हो करके थाने की मदद ले करके भी कई बार दर्शन करने का या अदरवाइज थाने के साथ कभी उनकी कुछ शिकायत व्यवस्था हो तो उनको थाने आना पड़ता था। बिल्डिंग पुरानी जो थी बहुत पुरानी हो गई थी और काफ़ी खस्ता हाल थी, इसीलिए आज से कोई 5-6 साल पहले ये काम शुरू किया था कि नया थाना तमीर करें जो जहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से सही हो, बेफिटिंग हो, एडिक्वेट स्पेस हो जवान के लिए, ऑफिसर के लिए, जो लोग आकर के जहाँ पर थाने में विजिट करें उनके बैठने के लिए जगह हो, सुविधा हो। मुझे लगता है कि हमारी पूरी रियासत और अभी यूटी में जो थानों की अगर तुलना इस थाने के साथ करी जाए तो ये अपने आप में एक मॉड्यूलर थाना है। हालांकि मैंने देखा है कि जवानों के लिए जो छोटी मोटी प्रोविजंस है उसमें और इजाफा करने की ज़रूरत है जो की जाएंगी। ये भी मैं समझता हूँ कि जहाँ पर कभी कभार कुछ लोगों को आकर के थोड़ी देर बैठने बैठाने की सुविधा की ज़रूरत होती है वो सुविधा भी अभी ऐड करेंगे, अभी नहीं है। मगर कुल मिलाकर के जो कटरा का थाना अभी बना है वो बहुत ही खूबसूरत है। इसकी तामीर के लिहाज से, इसकी लेआउट के लिहाज से, इसकी ओपन एरिया के लिहाज से और मुझे लगता है कि इस थाने को मुकम्मल करने में जितनी मेहनत पिछले 4-5 साल के अंदर लगी है, जिस स्कीम के अंदर थाना शुरू हुआ वो स्कीम ही बंद हो गई, फिर नई स्कीम के अंदर इसको डाल के ला करके मुकम्मल करना पड़ा, फिर और एडिशन्स फंड्स की प्रोविज़न करके इसको इस लेवल तक लाना पड़ा और मुझे खुशी है कि आज ये थाना पूरी तरह मुकम्मल हो गया है और पब्लिक की सेवा में इसको हमने डेडिकेट कर दिया है।